हेलो दोस्तों, देखिए मैंने अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ पोनीटेल फर्न के साथ में। ये मेरे पास एक प्लांट मैंने ख़रीदा था और उससे मेरे पास अब ये मैंने डिवाइड करके दो प्लांटर बना दिए हैं और दोनों ही इतने ज़्यादा बुशी हो गए। मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। ये देखिए सारी इसकी रूट्स जो हैं ऊपर आ गई हैं। ये इस तरह से बल्ब होते हैं, ये बल्ब ऊपर की तरफ आ गए। मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। थोड़ा सा एक दो महीने और रुक के फिर इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। ये देखिए आपको बल्ब दिख रहे होंगे। मैंने इसको डिवाइड करके इसके दो प्लांटर बना दिए हैं, दोनों ही बहुत बुशी हो गए हैं। यहाँ पर मेरा ये सारा क्राइसेंथेमम लगा हुआ है, इसको गुलदाउदी भी बोलते हैं। विंटर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इनमें। तो चलिए आज इनमें क्या क्या काम करना है ताकि हमारा प्लांट जो है पूरी विंटर फूलों से भरा रहे। तो उसके लिए देखिए मैंने आपको दिखाया था वीडियो बना के कि कटिंग कैसे ग्रो करनी है। कटिंग ग्रो करने के बाद फिर दूसरा वीडियो जो बनाया था उसमें रिपोर्ट किस समय करना है, कैसे करना है, वो दिखाया था। और अब काफ़ी समय हो गया है तो चलिए आज हम इसमें कुछ काम करने वाले हैं ताकि पूरा विंटर गार्डन हमारा फूलों से भरा रहे। तो इस समय हमें इनमें कुछ ज़रूरी काम जो करने हैं वही मैं दिखा देती हूँ। देखिए मैंने तो बहुत सारे प्लांटर बना लिए हैं और ये कितने बुशी भी हो गए। तो चलिए इनमें कुछ काम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना है कि हमें इसकी मिट्टी को चेक करना है। एक तो इसमें जो है एयर सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा बना रहना चाहिए और उसके लिए हर समय इसकी मिट्टी को हर 3-4 दिन में या हफ्ते में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। देखिए हल्के हाथ से इसमें गुड़ाई करनी है सारे में, क्योंकि एयर सर्कुलेशन जब तक नहीं बना रहेगा तब तक इसकी रूट्स जो हैं अच्छी तरह से ग्रो नहीं होंगी। दूसरा काम दोस्तों ये करना है कि गुड़ाई करते पे ये देखिए नीचे से नई जो ग्रोथ निकल रही होती है, ये देखिए ये कट नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये नई ग्रोथ है, नया प्लांट हमारा प्लांट जो है यहाँ से बुशी हो रहा है, ये देखिए। और तीसरा काम ये करना है कि जैसे ये जो मिट्टी को टच करते हुए पत्ते हैं, लीव्स हैं, ये इनको हटाते रहना है बिल्कुल। मिट्टी को जो टच करती हुई लीव्स हैं या पुरानी सूखी हुई लीव्स हैं उनको हटाते रहना है, नहीं तो उनसे ये मिट्टी में जो भी पत्तियां टच होंगी उनसे फंगस आ जाएगी। और जब नीचे की पत्तियों में फंगस आएगी तो पूरे प्लांट में फंगस आ सकती है, इसलिए हमें नीचे की जो मिट्टी है उससे पत्तियाँ जो टच हो रही हैं उन सबको हटाते रहना है। ये देखिए अगर नीचे की पत्तियाँ टच हैं तो उनमें इस तरह से कीड़े भी लग सकते हैं, इंसेक्ट्स भी लग सकते हैं। तो नीचे की जितनी पुरानी पत्तियाँ हैं बड़ी बड़ी और मिट्टी को टच कर रही हैं उनको हटाते हैं। कुछ प्लांट में इस तरह से वीड्स निकल जाती हैं, ये देखिए इन सबको भी हटा के मिट्टी को बिल्कुल साफ रखना है। देखिए इन सब की मैंने बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है और जितनी भी सूखी पत्तियाँ थीं या नीचे जो टहनियाँ इससे टच हो रही थी उनको भी निकाल दिया है। हमने जो ये टहनियाँ इसकी निकाली हैं इनको भी आप इस समय अभी कटिंग लगा सकते हैं, इनकी चल सकती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी हमने टहनियाँ निकाली हैं उनको कटिंग लगा दीजिए, फेंकिए मत। और ये सूखी हुई सारी पत्तियाँ और गली हुई जो हैं वो सब निकाल दिए। अब हम इसको नराई के बाद हम इसमें कंपोस्ट देंगे। क्या क्या कंपोस्ट देंगे चलिए देख लेते हैं। ये मैं जो कंपोस्ट बना रही हूँ ये मेरे 10 से 12 गमले हैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। तो आपके जितने गमले हैं उतने के हिसाब से आप लगा लीजिए। ये मैंने 10 से 12 गमलों के लिए हर गमले के हिसाब से एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें लूँगी DAP। ये देखिए दोस्तों DAP है। तो आप 8 से 10 दाने एक गमले के हिसाब से लीजिए। मैं 10 से 12 के हिसाब से बना रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से लगाऊंगी। तो आप मेरे ये देख के अपने एक गमले में मत डाल दीजिए, मैं 10 से 12 गमले के लिए कंपोस्ट बना रही हूँ और एक गमले में आप 8 से 10 के बीच में ही डालिए। इस समय हमें सॉलिड खाद दे रही हूँ, लेकिन मैं जो लिक्विड हर 15 दिन में दूंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैं एक बार इसको फर्टिलाइज कर दूंगी, इसके बाद मैं जब तक फ्लावरिंग होगी केवल लिक्विड फर्टिलाइजर देती रहूंगी। तो सॉलिड इस समय मैं अक्टूबर में दे रही हूँ, अक्टूबर चल रहा है इस समय मिड। और इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर मैंने ये ली है लकड़ी की राख वो डैश, तो इसको भी मैं एक मुट्ठी इसमें ले लूँगी, क्योंकि वो डैश जो है जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं वो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। इससे हमारे प्लांट को
एक तो फंगस का भी, इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है और ये फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। ये पोटाश इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप ऑर्गेनिक पोटाश का यूज़ ना करके, सॉरी केमिकल का यूज़ ना करके आप ऑर्गेनिक ये वुड ऐश डाल सकते हैं। एक पॉट में आधे से एक चम्मच वुड ऐश लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है दोस्तों, और एक महीने में एक बार डालना है बस, ज़्यादा नहीं, 15 दिन में नहीं यूज़ करना है इसका भी। चौथे नंबर पे मैं ये नीम की खली ले रही हूँ और ये मैं खुद ही घर पे बनाती हूँ। नीम की निवौरी जो आती है उसको खरीद लेते हैं हम, मार्केट में मिल जाती है, और उसको फिर सुखा के और ग्राइंडर में पीस के रख लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा, जो मार्केट में नीम खली मिलती है वो तो बिल्कुल मिट्टी जैसी मिलती है, तो अगर आपको ये निवौरी मिल जाती है नीम की तो आप इनसे बना सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती है क्योंकि एकदम प्योर होती है। तो ये भी आपको पर पॉट के हिसाब से 1 टेबल स्पून लेना है। इसके बाद दोस्तों मैं ये बोन मील ले रही हूँ अगले नंबर पे। बोन मील फ्लावरिंग के लिए, रूट्स के लिए और हमारे प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, तो ये भी मैं पर टेबल स्पून पॉट के हिसाब से ले रही हूँ। अब ये है दोस्तों टी लीव, ये जो चाय की पत्ती हम अपने घर में यूज़ करते हैं, मैं इसको धोकर और खूब अच्छी तरह से धोकर सुखा लेती हूँ। तो ये 2 मुट्ठी मैं चाय की पत्ती डालूँगी। चाय की पत्ती फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो ये भी 1 टेबल स्पून हर पॉट के हिसाब से। इसके बाद हम फंगीसाइड लेंगे क्योंकि बरसात के बाद मिट्टी में थोड़ा बहुत फंगस भी आ जाती है, इंसेक्ट्स भी लग जाते हैं, तो ये नीम खली और फंगीसाइड जो है ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच फंगीसाइड को ऐड कर रहे हैं, देखिए दोस्तों। और अब ये है सबसे अच्छा सोर्स जो है पोटेशियम का, ये है केले के छिलके, इनको मैं सुखा के रख लेती हूँ। तो आप इस तरह से इनके छोटे छोटे टुकड़े करके खाद में मिला सकते हैं या फिर इसको मिट्टी में दबा सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो अभी तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसी में मिक्स कर रही हूँ, और हम हर 15 दिन में इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट में दे सकते हैं। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके 1-1 मुट्ठी हर प्लांट में डालना है, हर प्लांट में 1-1 मुट्ठी के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें पानी लगा देंगे दोस्तों, और इसको सपोर्ट देने के लिए, जब प्लांट बड़ा होता है तो वो एक तरफ झुकने लगता है, तो उसके लिए सपोर्ट जरूर देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये छोटी छोटी स्टिक लगा के सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसे ही आप लोग भी सपोर्ट दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इस समय आप हर 15 दिन में 20 दिन में जब आपको नई ब्रांचेस दिखें और थोड़ी बड़ी हो जाएं तो इस तरह से इनकी पिंचिंग करते रहना है। ये देखिए जितनी ज़्यादा अभी पिंचिंग कर लेंगे आप, उतना प्लांट आपका बूशी होता रहेगा। ये जो भी आपकी लेगी सी डंडी हो रही है उसकी पिंचिंग कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए मैंने इसकी पिंचिंग करके, ये एक प्लांट है और इसको देखिए कितना बुशी बना दिया है। जितना प्लांट बुशी होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, और इस समय इंसेक्ट बहुत लग रहे हैं, तो इंसेक्ट के लिए आप नीम ऑयल का हर हफ्ते ज़रूर आप स्प्रे कीजिए। कभी नीम ऑयल का कर दीजिए, कभी हैंड वॉश या किसी सोप का कर दीजिए, नहीं तो साफ पानी से ही जहाँ आपको कीड़ा लगता दिख रहा है तो आप जल्दी जल्दी कर दीजिए। और अगर कीड़ा नहीं लगा हुआ है, इंसेक्ट नहीं लगे हुए हैं आपके प्लांट में, तो आप 15 दिन में 1 बार नीम ऑयल से ज़रूर स्प्रे कर दीजिए, अपने पेड़ को नहला दीजिए, फिर आप देखिए आपको कितनी अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, विंटर के लिए आप मैंने जो तैयारी बताई है आप लोग भी कीजिए, और जिन्होंने कर ली है बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, फुल वॉच कीजिए।